देवभूमि की खबरों के मेगा बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के आने वाले विधानसभा चुनावों के तहत पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महिला वोटरों को लुभाने की पुरजोर कोशिश की गई है। वहीं इस दौरान प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड की जनता को वर्चुअली संबोधित भी किया। वहीं क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, आप भी सुनिए। भगवान बद्रीनाथ, गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी की ये भूमि है। इस भूमि का मैं नमन करती हूँ। इस भूमि के साथ मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है। आप तो जानते ही होंगे, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी यहीं देहरादून में पढ़े, मेरे भाई भी यहीं पढ़े, मैं भी यहीं पढ़ी, मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ा। कई पीढ़ियों से हम इस प्रदेश में आ रहे हैं, आप सबसे मिल रहे हैं, आप सबकी बातों को सुन रहे हैं, और यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ की प्रकृति जो है, उसको देखकर हमेशा खुश होते थे। लेकिन आज यहाँ आकर इस देव भूमि में जिस तरह की सरकार चल रही है, उसको देखकर दुख होता है। मैं कहना चाहती हूं कि ये दुख क्यों होता है। ठीक है, हर सरकार आती है, जनता की समस्याएं होती हैं, और जो विकास है, चाहे कितना भी कोई सरकार करे, वो कभी पूरा नहीं होता। तो हमेशा ये एहसास होता है कि चलो और काम हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस सरकार के कार्य को देखकर इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जितने बड़े बड़े वादे आपको दिए, जितनी आशा से, उम्मीद से आप सबने इनका समर्थन किया, उसको तोड़ दिया है। जहां जहां मैं जाती हूं, बहुत स्पष्ट होता है कि पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया गया। पिछले 5 सालों में सिर्फ जो आपकी उम्मीदें हैं वो टूटी, जो आपको वादे किए थे वो टूटे, जो पहले काम किया गया था वही आज दिखता है। जो हमारी सरकार के दौरान विकास का कार्य था वही आज है, उससे आगे कुछ नहीं किया गया। हाँ, चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं फिर से होती हैं, उद्घाटन होने शुरू होते हैं, और जो प्रोजेक्ट आपने 5 सालों से नहीं किए उनका उद्घाटन आप आज कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें की गई हैं। इस सरकार ने जितना पैसा, जितना धन विज्ञापनों में खर्चा है, कि सिर्फ यहाँ उत्तराखंड में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन दिल्ली में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विज्ञापन दिखते हैं। इतना खर्चा होता है इन पर, लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है कहते हैं। जब हम घोषणा करते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, वो सवाल उठाते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। सच्चाई ये है कि पैसे हैं, सच्चाई ये है कि रोजगार के लिए खाली पद हैं, सच्चाई ये है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर ये करना चाहती थी तो कर सकती थी। सच्चाई ये है कि आपको डबल इंजन की सरकार का वादा किया, लेकिन आज स्थिति इन्होंने ये बना दी है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, इनका ही इंजन ठप हो गया है। मैं जब अपनी बहनों से मिलती हूँ, वो मुझे बताती हैं कि कितनी परेशान है। और इसीलिए जब आपने आपने नारा आप कह रही थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्यों आप खुश होती हैं इस नारे को सुन के? क्योंकि आप जानती हैं कि आपका जीवन संघर्ष का जीवन है। आप जानती हैं कि कुछ भी हो, समाज का बोझ आप उठाती हैं, महंगाई का बोझ आप उठाती हैं, जो परिस्थितियाँ हैं उसका बोझ हमेशा महिला उठाती है। महिला के पास बहुत ज़्यादा मौके नहीं हैं, महिला के पास
उसको हमेशा घर भी देखना पड़ता है, चाहे वो बाहर जाके खेती में काम करे, वो घर आएगी, वो घर को भी संभालेगी, परिवार के सदस्यों को देखेगी, वो सुखी हैं, वो अच्छे हैं कि नहीं हैं, सबकी सेहत ठीक है कि नहीं है। कोरोना की मार हुई, सबसे ज़्यादा बोझ फिर से आपने उठाया, लेकिन आपको पूरी तरह से नकारा जाता है। जब नेता, राजनीतिक पार्टियां बात करती हैं तो महिला की बात नहीं करती। क्या आपको मालूम है कि उत्तराखंड में हर 5 घंटे एक महिला के साथ अत्याचार होता है? हर 5 घंटे। जो पहाड़ी राज्य है, आपको मालूम है कि कितनी मुश्किल होती है स्वास्थ्य सेवाओं के पास को मिलने की। जब आप बीमार पड़ती हैं, गर्भवती होती हैं, तो अक्सर आपको बहुत दूर जाना पड़ता है डॉक्टर से मिलने के लिए या अस्पताल से कोई सुविधा लेने के लिए। क्या किया इस सरकार ने आपके लिए? आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी महिलाओं में ही है। यहाँ तमाम महिलाएं बेरोजगार हैं, आशा बहुएं, आंगनवाड़ी की महिलाएं, उनका मानदेय बढ़ाया भी नहीं गया। कितना समय हो गया है, साल हो गए हैं, और उनका मानदेय वहीं का वहीं है। मैं जानती हूँ, उत्तर प्रदेश में काम करती हूँ, वहाँ आशा बहनें जो हैं, आंगनवाड़ी की बहनें जो हैं, खूब परेशान हैं, संघर्ष करती हैं। जब अपनी आवाज़ उठाती हैं तो पीटी जाती हैं, उनको जेल में डाला जाता है, उन पर रासुका की धाराएं लगाई जाती हैं। तो आप सोचिए कि कैसी सरकार चल रही है। हर जगह बेरोजगारी है, नौजवान बेरोजगार हैं। हम बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं चुनाव के समय, यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकार चलाते हैं, क्या बात करते हैं? यहाँ आकर धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करेंगे? ये आपको नहीं बताएंगे कि रोजगार कैसे दिलवाए हैं या कैसे दिलवाएंगे, कभी नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि पिछले 5 सालों में इन्होंने कितने रोजगार दिए, क्योंकि दिए ही नहीं, क्योंकि खाली पद पड़े हुए हैं। तो शिक्षा के बारे में, आपके लिए सुविधाओं के बारे में कौन सोच रहा है? ये सरकार का काम होता है। सरकार का काम है आपको सुरक्षित रखना और आपके जीवन को अच्छा बनाना। अगर आप आज भाजपा की 5 साल की सरकार के बारे में सोचें, अपने मन में झांक के सोचें कि इन्होंने क्या किया आपके लिए, क्या आप आगे बढ़ पाए, क्या आपके जीवन में कोई सुविधा आई, क्या पहले से कोई आसानी हुई आपको जीवन जीने में, या आप और भी त्रस्त हो गए? चाहे महंगाई हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, आपने देखा कितना आंदोलन किया। यहाँ मैं जानती हूँ गन्ने का जो बकाया है उसकी इतनी बड़ी समस्या है। अब आप सोचिए पूरे देश भर में जो गन्ने का बकाया है कितना है? 14,000 करोड़, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे, कितने के? 16,000 करोड़ के। प्रधानमंत्री जी के 2 हवाई जहाज के खर्चे में पूरा गन्ना का बकाया हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या चुना? अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। लेकिन ये आप मीडिया में नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी आलोचना तो मीडिया में होती नहीं है, आप तक ये बातें पहुंचती नहीं है। तो वही इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी जनता को संबोधित किया है। इस दौरान क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने, आप इसको सुनिए जरा। दो ऐसे उद्घोषों का साक्षी रहा हूं जिनको युगांतकारी कहा जा सकता है। इंदिरा जी ने, तब हम छात्र थे, कहा था गरीबी हटाओ। गरीबी एक पल में नहीं हटती, वो जानती थी। गरीबी हटाने के लिए आज उनकी तीसरी पीढ़ी भी संघर्ष कर रही है। राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं, प्रियंका जी संघर्ष कर रही हैं, मगर उनका नारा युगांतकारी था। उसने प्रत्येक सरकार को मजबूर किया कि वो गरीब को अपनी नीतियों का केंद्र बिंदु बनाए।
और उनकी पोती ने एक इतना ही युगांतकारी नारा 21वीं सदी के भारत को बनाने के लिए दिया है, कहा है लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये मेरा वादा आप सब अपने उत्तराखंड के भाई बहनों से भी है। आज हमने प्रियंका जी को इसलिए आमंत्रित किया, हमारी नारी शक्ति को भी एक नई स्फूर्ति की जरूरत है, एक नई प्रेरणा की जरूरत है। हमारा उत्तराखंड अपने नारियों का, वीर नारियों का बहुत बहुत आभारी है। वही हमारे प्राणाधार हैं, वही हमारे जीवनाधार हैं। हमारे उत्तराखंड को यदि ये पहचान है आज इस देवभूमि को, तो उसमें हमारे बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद योगदान हमारे वीर सैनिकों का है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का है, हमारे राज्य आंदोलन के सिपाहियों का है। मैं उन सब लोगों को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज हम प्रियंका जी के माध्यम से, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि कन्या जिसकी शुरुआत करती है तो शुभ ही शुभ होता है, तो आज हम अपने एक संकल्प को, जिसको हमने कहा है कि उत्तराखंड का सम्मान, चार धाम हजार काम, हमारे घोषणा पत्र समिति के सब सदस्यगण नवप्रभात जी के नेतृत्व में आज उस संकल्प को लेकर के, उस संकल्प पत्र को लेकर के, मैं तो उसको सीधी सादी भाषा में, आप सबके समझने की भाषा में घोषणा पत्र ही कहूंगा, उसको लेकर के आए हैं। और आपके हाथों जब हम उसको लोगों को समर्पित कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों के सामने समर्पित कर रहे हैं, प्रियंका जी, हम सब जो मंचासीन लोग हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और हम प्राण प्रण से भी इस घोषणा पत्र को अक्षर अक्षर लागू करेंगे, पूरी तरीके से लागू करेंगे। आप सोनिया जी, आप सोनिया जी को बता दीजिएगा ये हमारा संकल्प, क्योंकि वो बहुत चिंतित रहती है, जो कहो उसको करो। आज हमारा ये जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में हमने अपने पिछले, जब भी यहां सत्ता में कांग्रेस रही 2002 से लेकर 2013 14 15 16, उन सब जनोन्मुखी कार्यों का जिक्र करते हुए उसकी बुनियाद पर आपसे ये हजारों वादे किए हैं। हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, एक एक वादे में हमारा पिछला रिकॉर्ड साक्षी है, हमने उत्तराखंड को एक नई दिशा बनाई है, एक मजबूत नींव डाली है। आप 2022 में हमारे हाथ में दीजिए बागडोर, इस निकम्बी अकर्मण्य सरकार से छुटकारा दिलवाइए, जिसके मुख्यमंत्री को इतने ही अल्प कार्यकाल में खनन प्रेमी मुख्यमंत्री की संज्ञा मिल जाती हो। यदि कहीं ज्यादा समय मिल जाता तो हो सकता है बालू बदरी के साथ हमारे खेतों की मिट्टी को भी बेच डालने का काम करते, हमारी थाती को भी बेच डालने का काम करते। और उन्होंने शुरुआत कर दी थी जब इन्होंने भू कानून को बदला, हमारी संस्कृति के लिए खतरा पैदा कर दिया। हमने इस संकल्प पत्र में कहा है कि हम एक कड़ा भू कानून लेकर के आएंगे। जनता की आकांक्षाओं का, आप बहनों और भाइयों की आकांक्षाओं का भू कानून लेकर के आएंगे। हमने कहा है कि हम उन सब योजनाओं को, जिसमें जन कल्याण की योजनाएं विशेष रूप से सम्मिलित हैं, हमने 3 प्रकार की पेंशनों को बढ़ा करके 18 प्रकार की पेंशनें की, अब हम 21 प्रकार की पेंशनें लागू करेंगे। जो 1000 मिलता था उसको 1800 में पहुंचाने का काम करेंगे। हम हर किसी को जोड़ेंगे। हमने पहले कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में, हमारी सरकार ने 32,000 लोगों को नौकरी दी, सरकारी मुलाजिम बनाया। हमारा रिकॉर्ड साक्षी है। यदि हम आगे के लिए कुछ कह रहे हैं तो हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। आज कितनी बड़ी चुनौती है लोगों के सामने अपने जीवन को
चलाने की। आज लोगों का मान सम्मान खतरे में है। इन 5 सालों में उत्तराखंड का कुछ नहीं बदला। यदि केवल बदले इन भाजपा के लोगों ने, तो केवल मुख्यमंत्री बदले और चेहरे बदल करके आज फिर आपको धोखा देना चाहते हैं, फिर आपको धोखा देना चाहते हैं। अरे भेड़िया साधु का भाना पहन करके साधु नहीं हो जाता है। भाजपा के लोगों के पास कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई सोच नहीं है। कांग्रेस के पास स्पष्ट नीति कार्यक्रम है, हमारे पास स्पष्ट नेतृत्व है, हम उसके बल पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने अपने घोषणा पत्र में कहा कि चार धाम 1000 काम, और जिसके 4 पुष्प हम पहले ही अर्पित कर चुके हैं, भगवान बद्रीनाथ को, केदारनाथ को, गंगोत्री और यमुनोत्री को, इस पुण्य भूमि को, वो 4 पुष्प हैं। 5 साल में हम देंगे 4 लाख रोजगार, स्थायी रोजगार, रिक्त पदों को भरेंगे भी, नए पद सृजित भी करेंगे, मगर स्वरोजगार के बल पर हम 4 लाख 5 साल में रोजगार सृजित करेंगे जो स्थायी नेचर के होंगे। हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का ढांचा चरमरा गया। प्रीतम ने अभी कहा, प्रीतम सिंह जी ने, कि किस तरीके से कोरोना काल में हमारे भाइयों के मरने के लिए छोड़ दिया गया। देश के अंदर प्रियंका जी दूसरे नंबर पर प्रतिशत वार सर्वाधिक मौतें उत्तराखंड में हुई हैं, छोटे से उत्तराखंड के अंदर। मैं उन सब परिवारों के प्रति, मेरा हृदय जो हमारे लोगों की सरकार की नालायकी से मर गए, हमारे बीच में नहीं है, मैं उन सबको सांत्वना देना चाहता हूं। वहीं चुनावी माहौल में एकदम से गर्मी उस समय देखी गई जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला कार्यकर्ताओं को बताया। त्रिवेंद्र ने कहा कि मदन कौशिक सीएम तभी बन सकते हैं जब बीजेपी 60 पार होगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार शहर सीट से बीजेपी प्रत्याशी मदन कौशिक के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा मदन कौशिक के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, इसलिए इस बार कोई गड़बड़ हुई तो मदन जी के बाल काले हो जाएंगे और लोग कहेंगे कि हरिद्वार वाले को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना। आप ठीक है, हमारा ठीक है, आप लोगों को हरिद्वार के लोगों को कहना चाहिए कि अध्यक्ष जी आपका सम्मान, हमारा सम्मान, अगर गड़बड़ हुई तो लोग इतनी छोटी बात करें कर रही अगर गड़बड़ हुई प्रदेश में, हालांकि प्रदेश में तो लोग कहेंगे मदन कौशिक अध्यक्ष था, हरिद्वार अध्यक्ष हरिद्वार वाला कभी अध्यक्ष नहीं बना। मुख्यमंत्री तब बनेंगे, उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में अब एक बयान तैर रहा है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सामने आए इस बयान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आमने सामने आ गए हैं। बताया जा रहा है कि ये बयान अकील अहमद का है जो कि देहरादून जिले के सहसपुर के रहने वाले हैं। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर अकील अहमद को कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने का लेटर अपलोड किया है, जिसमें अकील अहमद कह रहे हैं कि वो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत से उनका समझौता इसी बात पर हुआ है कि राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी। वहीं इस बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के 4 धाम 4 काम बस यही रह गए हैं कि वो उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। देखिए, ये कांग्रेस की नीति रही है, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करती रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा
न्याय की बात की है, अन्याय किसी के साथ ना हो। आज जब हम चार धाम की बात करती है कांग्रेस, एक तरफ चार धाम की बात करती है और दूसरी तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी करती है, तो ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि चार धाम में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर क्या करना चाहते हैं। एक नेशन नहीं है बल्कि वहीं चमोली निर्वाचन अधिकारी के दिशा निर्देश में मतदाता जागरूकता अभियान का वाहन प्रति विधानसभा थराली के पिंडरखाटी के तीनों ब्लॉकों देवाल, नारायणबगड़ और थराली पहुंचा। वाहन पर लगे लाउडस्पीकर से लोगों को मतदान करने का आह्वान के साथ जागरूक भी किया गया है। इसमें स्थानीय गढ़वाली भाषा में भी मतदाताओं से अपील की गई। इस दौरान मतदाता जागरूकता अभियान वाहन में चल रहे कर्मियों ने लोगों को सर्कुलर भी बांटे हैं। भाजपा की ओर से केदारनाथ विधानसभा के अगस्त्य मुनि में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ ही लोगों को पार्टी में शामिल किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी जिला प्रभारी शैलेंद्र सिंह बिष्ट भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में केदारनाथ हैं। केदारनाथ विधानसभा के विकास पर बोलते बोलते उन्होंने केदार की तुलना पीएम मोदी से कर दी। बीजेपी जिला प्रभारी के बयान के बाद केदारनाथ विधानसभा की राजनीति में उबाल आ गया है। सोशल मीडिया पर उनके इस बयान को ट्रोल किया जा रहा है और लोग अलग अलग कमेंट के जरिए बीजेपी नेताओं की बेइज्जती कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के उपसभापति और आम आदमी पार्टी नेता राखी बिड़ला ने आज काशीपुर पहुंचते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार और कांग्रेस पार्टी पर तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही दलों ने प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है, लेकिन अब जनता परिवर्तन करने जा रही है। तो काशीपुर की तस्वीरें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता राखी बिड़ला पहुंचे। इन्होंने सीधे हमला बोला बीजेपी पर और कांग्रेस पर और कहा है कि दोनों ही दलों ने यहां की जनता को ठगने का काम किया है और अब जनता परिवर्तन करने जा रही है। एक सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए मुझे जन तक बात जब मैं कर रही हूँ जनसंपर्क के माध्यम से, आप सबको के माध्यम से, तो चाहे साधारण वर्ग की महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा साथी हैं, सब लोग इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। केजी मॉडल को लाने के लिए कितना लड़ाई नजर आ रही देवभूमि में? मैंने बताया जनसंपर्क के माध्यम से। नैनीताल विधानसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्या ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर मतदाताओं से 14 फरवरी को बढ़ चढ़ कर मतदान किए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वो प्रत्येक गांव के लिए विकास कार्यों के लिए हमेशा आगे आते रहेंगे। वहीं चमोली में पिछले दिनों पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला माणा पास और नीति पास दोनों ही राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बर्फबारी के बाद बंद हो गए हैं। बर्फबारी के साथ साथ पहाड़ों से बड़े बड़े ग्लेशियर टूटकर हाईवे पर आ गए हैं। लगभग 15 से 20 फीट के बड़े बड़े ग्लेशियर सड़क पर आ गए हैं, जिसे हटाने के लिए बीआरओ की टीम मौके पर जुट गई है। कड़ाके की ठंड के बाद भी बीआरओ के जवान लगातार बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पर्यवेक्षक जयवीर सिंगारे ने सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की नगर निगम सभागार में बैठक ली है। इस दौरान चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने की बात पर्यवेक्षक ने कही है। इसी के साथ ही सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आज की जो बैठक थी है माननीय प्रेक्षक महोदय की अध्यक्षता में ली गई और इस बैठक का जो उद्देश्य था, हमारे जितने भी सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, एआरओ महोदय हैं, एफएसटी एसएसटी टीम जितनी भी निर्वाचन कार्य में लगी हैं,
उन सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से ये निर्वाचन जो है हम कराएंगे वो निष्पक्ष कराएंगे और निर्विवादित रूप से संपन्न कराएंगे। मुख्य उद्देश्य इसका यही है। एक्चुअली देखिए, शादी विवाह ये जो है इसके संबंध में विवाह समारोह में जाने पर ऐसा बैन जैसी तो कोई गाइडलाइन हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हाँ यदि उस दौरान उनके द्वारा कोई प्रचार प्रसार किया जाता है तो उस पर जरूर हमारी एफएससी टीम वगैरह ध्यान रखेगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।